ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय। गुड इवनिंग। सबसे लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, जरा बताओ तो एक बार। अरे वो मैं दूसरे बैच में बोल रहा था, क्लास 11 का क्लास खत्म कर रहा था, उसमें बोल रहा था, तुम दोनों का भी लॉगिन कर दिया था। हाँ, दूसरी क्लास। एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड हो गया था। अच्छा, मतलब आज उसका लिमिटेशन बताया था क्या उसका? ठीक, बाकी सब कहाँ गया है? दो ही है, और तुम लोग 2 मिनट रुक जाओ, आने दो सबको। ये क्वेश्चन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इन फेमटोमीटर, 1 फेमटोमीटर इज 10^-15 मीटर। चलो इसको सॉल्व करो, तब तक बाकी लोग आ जाएंगे। एक्स कोई एटम है जिसका मास नंबर दिया गया है, एक्स एलिमेंट है और उसका मास नंबर 64 है। जो फॉर्मूला बताया तो उसे सॉल्व करो।
सॉल्व करो, मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ चलो बच्चे लोग सॉल्व किया। लोग अभी फर्स्ट क्लास था क्या कहीं पे किस सब्जेक्ट में? चलो लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट इनटू ए टू द पावर। वन बाय थ्री सेंटीमीटर। Where R naught is 1.13 into 10 to the power minus 13 centimeter, 13 centimeter नहीं। तो यहाँ पे A का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 64। तो क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वन पॉइंट वन थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टीन इंटू ए टू दावर वन बाई थ्री, डेट इज 64 टू दावर वन बाई थ्री सेंटीमीटर। डेट इज 1.13 इंटू टेन टू दावर माइनस 13 इंटू 4। तो क्या लिखेंगे? 4.52 इंटू 13 सेंटीमीटर। इसी को क्या लिख सकते हैं? 4.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। दैट इज 4.52 फेमटोमीटर। चलो तो जल्दी से नोट कर दो।
हो गया सबका? ठीक है। देखो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो लिमिटेशंस क्या है वो देखो। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था। उसने क्या बोला था कि अगर सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक ये कोई प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो हर एक चार्ज का अपना एक फील्ड होता है। तो यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, और ये इस चार्ज पार्टिकल का फील्ड है, फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ठीक अब रदरफोर्ड क्या बोलता है? कि अगर कोई सपोज एक अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, मतलब कोई एक चार्ज पार्टिकल है उसमें माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज है और ये मूव कर रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस निगेटिव चार्ज पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। पॉइंट समझ में आया? चलो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अगर क्यू नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव चार्ज पे लगाता। मतलब कुल मिला के ये है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इंटर इनटू द फील्ड ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन। बोलो।
अट्रैक्शन, एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स। और जब किसी पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन होगा अगर वो रेस्ट पे होगा, ऑलरेडी वो मूव कर रहा है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा। तो यहां पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है? तो बोलता है मैंने चार्ज पार्टिकल इंटर इनटू द फील्ड ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स विच डिक्रीजेस। इट्स काइनेटिक एनर्जी दैट इज स्पीड। सो आफ्टर सम टाइम इट विल कम्स एट रेस्ट। इतना पॉइंट लिखो। लिख लिया। हमेशा अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। और अट्रैक्शन लगाएगा तो क्या होगा? फ्रीडम कम कर देगा अपोजिट चार्ज पार्टिकल, ज्यादा हिलने डुलने नहीं देगा। माइनस भी होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। बट जिसका फील्ड है उसके फील्ड में वो पॉजिटिव चार्ज यहां पे बैठा हुआ है, वो स्टैटिक है, ये नेगेटिव वाला मूव कर रहा था। अगर वैसे नेगेटिव स्टैटिक है और पॉजिटिव मूव करेगा तो यहां पे क्या लिखा? इट कम्स एट रेस्ट तो रेस्ट आने के पहले उसका जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो क्या करेगा? रिलीज कर देगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट विल रिलीज एनर्जी। समझ में आया? पॉजिटिव ने अट्रैक्शन लगा के नेगेटिव को रिटार्ड तो किया ही किया, साथ में उसके पास जो भी एनर्जी था। और साथ ही साथ उसके जो एनर्जी था उसको एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करा के उसको रेस्ट पे ले आया, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये पार्टिकल इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा। इतना लिख लिया। आगे बढ़े। अब इसका लिमिटेशन से क्या लेना देना वो देख लेते हैं।
अब देखो एटम में स्टैटिक कौन होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अगर सर्कुलर होगा तो ऐसे हो जाएगा, मैंने सर्कुलर का एग्जांपल बता दिया। अगर ऐसे जा रहा होगा तो फिर तो रुकेगा ही नहीं, फिर तो आगे भाग जाएगा। सर्कुलर घूमेगा तभी ऐसा कुछ होगा। अच्छा अब ये बताओ, एक एटम के अंदर स्टैटिक कौन होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। बोलो एक एटम के अंदर कौन स्टैटिक होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चे लोग, स्टैटिक कौन होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। कौन मूव नहीं करता है, न्यूक्लियस। बिल्कुल सही। अब देखो कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, अब ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिटार्ड होगा, और रिटार्ड होने के कारण क्या होगा, वो इस पाथ को फॉलो ना करके एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा जिसमें धीरे धीरे वो अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। और इस एनर्जी लूज करने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे करते हुए वो आके इस पॉजिटिव पार्टिकल से क्या करेगा, कॉलिजन कर लेगा। समझ में आया बच्चा लोग? तो अगर इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद न्यूक्लियस, देन बोथ विल बी डिस्ट्रॉयड। So if electron collide with nucleus, then both will be destroyed. That is, atom will become unstable. हो गया?
तो अब इस लॉजिक में ये कहां से आया कि ये लिमिटेशन है? तो इसमें लिमिटेशन ये है कि रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं होगा। रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं होगा, मतलब एटम अपने स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो लिमिटेशन ये है, रदरफोर्ड फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैक्सवेल ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था, वो अपनी जगह पे सही था। एटम हमें पता है स्टेबल है, रदरफोर्ड को भी पता था स्टेबल है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों स्टेबल है। तो इसी को किसने एक्सप्लेन किया? बोर ने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड गलत नहीं था, बट रदरफोर्ड को ये इंफॉर्मेशन नहीं था कि एटम स्टेबिलिटी मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को काउंटर बैलेंस कैसे करेगा। हो गया सबका? आगे बढ़े। एक मिनट रुको, तो मेरा पेज हैंग कर रहा है, मैं एक बार। अब चलो बोर्स एटॉमिक मॉडल का कुछ पोस्टुलेट्स है तो देखते हैं। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो बोर का पॉइंट था, इट इज अप्लीकेबल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसे एटम और आयन के लिए अप्लीकेबल होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यस, दैट इज एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आता है बच्चा लोग तुम्हें, ये बता दूं मैं।
ठीक है देखो, पहला देखो, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन केस ऑफ इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन टू 11। मेरे पास हाइड्रोजन है तो 1 है, मैं बता रहा हूं पहले एग्जांपल देख लो, तो P इक्वल टू E इक्वल टू 1 होगा, मतलब कोई चार्ज नहीं है तो बराबर होगा, और जब चार्ज आएगा तो अलग हो जाएगा। इन केस ऑफ कटायन, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज होगा, सो इन केस ऑफ कटायन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, सॉरी एटॉमिक नंबर बोलता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे कोई पूछेगा Na प्लस में क्या होगा, तो देखो पॉजिटिव चार्ज आने से प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है। कोई बोलेगा यहां पे प्रोटॉन कितना है, तो 11 ही है जितना पहले था, बट कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 11 माइनस कितना चार्ज है 1 यूनिट, तो 11 माइनस 1 कितना बोलेंगे 10। समझ में आया? अगर कोई बोलता है यहां पे H प्लस, तो प्रोटॉन तो 1 ही है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। 1 से इसलिए माइनस बिकॉज सोडियम पे कितना चार्ज लिखा हुआ है, वन इसलिए माइनस। जैसे मान लो यहां पे Mg2 प्लस है, और Mg2 प्लस में 12 है, तो इसमें 10 हो जाएगा, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 12 एंड इलेक्ट्रॉन इज 12 माइनस 2, अगर कोई बोलता है यहां पे सी प्लस 4, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो प्रोटॉन इसके पास 6 है, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, यस चार्ज माइनस हो जाता है, वही लिखा था नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये कब है, जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है,
कटायन है, बिल्कुल सही। एक बार जरा इसको लिखो फिर आगे बढ़ते। हाँ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा, लिखो। अच्छा अब देखो, इन केस ऑफ अनायन क्या रूल होगा? अब देखो, लास्ट में पॉजिटिव था तो सब्ट्रैक्ट हुआ था, इस बार क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यूनिट। जैसे मेरे पास सपोज Cl माइनस है और इसका 17 एटॉमिक नंबर है, बोलो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सेवनटीन प्लस वन, दैट इज 18। देखो, माइनस इज नॉट इक्वल टू प्लस, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी क्या बोला था कि जितने भी एटम होते हैं सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है? तो न्यूट्रल इसलिए होते हैं बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? इक्वल होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है, लेकिन जब कहीं पे चार्ज आता है तो चार्ज जब भी आता है इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। तो अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ज्यादा इसलिए हुआ बिकॉज वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। सो पॉजिटिव चार्ज इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और जो निगेटिव चार्ज होता है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कहीं पे निगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होगा तो ऐड कर देंगे नॉर्मल में, और अगर कम हो गया तो क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो Cl- का मतलब है यहाँ पे एक यूनिट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटोन, तो 17+1 हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ H2-, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 16+2 दैट इज 18। समझ में आया? प्रियंशी, हर्ष, ठीक है। तो फिर से हम आते हैं हाइड्रोजन बोर्स एटॉमिक मॉडल पे, कि ये कब अप्लीकेबल होगा, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बोर्स एटॉमिक मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले पहला वाला सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो। बोलो पहले वाले क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। एच माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो H माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन, फिर मैं आंसर बताता हूं। 2 है। H प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, जीरो है। और Li 2+ में कितना अप्लीकेबल है, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें Li 2+ में,
एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ किस में अप्लीकेबल नहीं है? बी एंड सी में, इसमें अप्लीकेबल है। यहां पे नॉट अप्लीकेबल है, यहां भी अप्लीकेबल है और यहां पे नॉट अप्लीकेबल है। चलो वैसे ही लास्ट वाला सोचो, आंसर बताओ। पहले वाले में सी में एप्लीकेबल नहीं है ना? नहीं नहीं एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल होगा। ओ सर, गलती से आपने एप्लीकेबल लिख दिया। सौरभ, मैंने क्या बोला था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल तब अप्लीकेबल होता है जब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए? सौरभ, एक मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। तो बी और सी में कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? दो और जीरो मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब नीचे बताओ, चलो सी प्लस फाइव में कितना इलेक्ट्रॉन? एक कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होता है, सिक्स माइनस फाइव वन। बेरिलियम थ्री प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। नाइट्रोजन सिक्स प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? नहीं 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 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सेवन। एट ऑक्सीजन का होता है सौरभ। तो यहां पे कितना आ जाएगा? वन। और इसमें कितना हो जाएगा? आपने ऊपर ही लिखा है, जीरो। कोई बात नहीं, अप टू 20 या 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखो, ठीक है? आपके लिए 20, क्लास 11 में जाओगे तो आपको 30 तक मिनिमम याद रखना पड़ेगा। अभी आप 20 तक भी याद रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ आंसर बताओ। ए बी सी, बिल्कुल सही। जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा उसमें अप्लीकेबल होगा। हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ
देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप भी ड्रॉ करना। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब देखो बोर्ड क्या बोलता है, रदरफोर्ड के स्टेटमेंट को इसने एक्सप्लेन किया। क्या हुआ सौरभ? नहीं, अच्छा ऐसा तुमने लिखा। केएलएम जो है इन सबको सर्कुलर पाथ है। देखो स्टेटमेंट वाइज मैं बताता हूं। अच्छा यहां तक दिख रहा है ना, जहां तक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं? ठीक है, देखो पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है। बोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस एंड दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड एज ऑर्बिट। और साथ में उसने ये एक पॉइंट और भी बोला, दीज सर्कुलर पाथ्स आर ऑफ डेफिनेट एनर्जी और कांस्टेंट एनर्जी। मतलब इनका एनर्जी कांस्टेंट होता है, जिसको उसको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोला। तो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ, ऑफ डेफिनेट एनर्जी, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट और सेल। पहले इस पॉइंट को नोट डाउन करो। कौन सा स्पेलिंग सौरभ? हाँ ये वाला सही है, तुम्हारा वाला वो बायो वाला सेल हो गया। एटम के अंदर सेल को हम एस एच एस एन नहीं है, एच है, ऐसा होता है एस एच ई डबल एल, एन होने से स्नेल हो जाएगा, घोंगा संघ को बोलते हैं स्नेल। हो गया सबका, लिख लिया सबने? सेकेंड पॉइंट, दीज ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड एज के एल एम एन और 1 2 3 लिखो, नोट डाउन करो। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, एज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस, as the value of orbit number increases, energy of orbit increases. As the value of orbit number increases, energy of orbit increases. मतलब देखो, मैंने अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लिखा, E1, E2, E3, E4, E5. तो E1 सबसे कम होगा, लेस देन E2, लेस देन E3, लेस देन E4, और ऐसा चलता रहेगा। कहां तक जा सकते हो? तो अप टू इनफिनाइट जा सकते हो। क्यों कम होगा वो मैं आपको भी बता दूंगा थोड़ी देर में, फॉर्मूला जब बताऊंगा। तो
नहीं, 1 2 3 4 क्या है, ऑर्बिट नंबर है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। तो हम अल्फाबेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया सौरभ? कभी ऊपर लिखते हैं कभी नीचे ले, कहाँ ऊपर लिखा? ये चार्ज नहीं है सौरभ, ये चार्ज नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है। इवन मतलब हो गया एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। यहां पे ऐसे लिख देता हूं, जैसे यहां पे मान लो लिखा हुआ ईएन, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये चार्ज नहीं है, हो गया? चार्ज अगर लिखते हैं तो हमेशा ऊपर लिखते हैं, नीचे में लिख, मतलब चार्ज हमेशा सुपर सब्सक्रिप्ट होता है, और जो नीचे में सब्सक्रिप्ट लिखते हैं वो चार्ज नहीं हो सकता। अब चलो जरा मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं, ठीक है, इन सब लाइन को मुझे क्यों यहीं पे लिखना है, नहीं तो डायग्राम फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कितने पॉइंट लिखा है, तीन या चार लिखा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस, energy difference energy difference between two successive energy difference between two successive orbit decreases। देखो सबसे पहला एनर्जी गैप कौन होगा, E2 माइनस E1 होगा, तो ये सबसे लार्जेस्ट गैप होगा, और ये किससे ज्यादा होगा, तो ये E3 माइनस E2 से ज्यादा होगा, और ये किससे ज्यादा होगा, तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या बनेगा, E4 E3, तो ग्रेटर देन E4 माइनस E3। जो नेक्स्ट होगा
क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे बच्चा लोग? e5 माइनस e4, और इस तरह से ये ऑर्डर चलता रहेगा अप टू en माइनस 1। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें फॉर्मूला तक वेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके मैं बता सकता हूं उसका रीजन। ये है, रीजन मैं बता देता हूं क्यों होता है। आप न्यूक्लियस के जितना क्लोज में रहोगे उतना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब आपका एनर्जी उतना ज्यादा डिक्रीज्ड होता है। तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे, मतलब न्यूक्लियस से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो आपका एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा, और एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा तो दो कंजेक्यूटिव के बीच का एनर्जी गैप घटने लगेगा। तो सब कुछ न्यूक्लियस के फोर्स के कारण होता है। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, अलग अलग ऑर्बिट है, उनको रिप्रेजेंट हम के एल एम एन से करते हैं अल्फाबेटिकली, और नंबर वाइज 1 2 3 4 से करते हैं। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव और सक्सेसिव ऑर्बिट डिक्रीज होता है। अच्छा ये बताओ, इस न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में कितना सर्कुलर पाथ हम ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फिनाइट। लेकिन सारे ऑर्बिट नंबर पॉसिबल नहीं होते, केवल सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉसिबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ कैन बी ड्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। But only some of them are but only some of them are possible. In which only आगे नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, only some of them are possible in which मैं बता रहा हूं एक बार रुक जाओ, in which angular momentum is conserved. और उसने एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। मतलब जो ऐसा भी बोलते हैं ओनली दो, ये दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं रेड कलर से,
कितना और लिख सकता हूँ, दो तीन लाइन लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, क्यों मुझे लाइन दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक वाला। ठीक है, सो ओनली दोज सर्कुलर पाथ्स आर पॉसिबल इन विच हाँ बोल सकते हो ऐसा, इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, ऑफ एच बाय टू पाई। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई। पहले इसको लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा जिसमें एमवीआर का वैल्यू होल नंबर मल्टीपल होगा एच बाय टू पाई का। मतलब एन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, नॉट अलाउड। एन इक्वल टू 1.5 नहीं हो सकता, एन इक्वल टू 1.3 नहीं हो सकता, ये सब वैल्यू पॉसिबल नहीं है। होगा तो एन इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब वैल्यू पॉसिबल है। मतलब आप फ्रैक्शनल वैल्यू और जीरो वैल्यू पॉसिबल नहीं होता ऑर्बिट नंबर का। तो जहां पे h बाई टू पाई इंटीग्रल मल्टीपल होगा वहीं पे जाके आपका एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, तब जाके आपका ऑर्बिट पॉसिबल होगा। इसीलिए हम ऑर्बिट नंबर को 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं, 1.1, 2.5, 2.7 ऐसा नहीं बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, यहां पे लिखा है ओनली दो सर्कुलर पाथ आर पॉसिबल। अब यहां पे मैं और ऑर्बिट ड्रॉ करता रहूं कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और ऑर्बिट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक और ऑर्बिट ड्रॉ कर देता हूँ, बट इन सब ऑर्बिट के लिए जैसे पहले वाला रेट मान लो, अब इसका ऑर्बिट नंबर क्या होगा, 1 तो यहाँ पे है, ठीक है, ऑलरेडी 1 यहाँ पे है, और उसके पहले कोई ऑर्बिट होता नहीं है, मतलब न्यूक्लियस और 1 के बीच में कोई ऑर्बिट होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑर्बिट ड्रॉ करेगा तो उसका तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा, 0.1, 0.5 ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। मतलब n का वही वैल्यू पॉसिबल होगा जहां पे 1, 2, 3, 4 हो। अब कोई बोलेगा नहीं मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, अब यहाँ पे अगर ड्रॉ कोई करेगा तो इसका ऑर्बिट नंबर क्या मिलेगा, ये 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, तो ये ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज n का वैल्यू इंटीजर नहीं है। समझ में आया? ऑर्बिट नंबर वही पॉसिबल होगा जिसमें एन का वैल्यू होल नंबर हो या इंटीग्रल मल्टीपल हो एच बाय टू पाई का। बच्चा लोग समझ में आया? अब मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ, वो भी रीजन बता रहा हूं। इस पॉइंट को आप ऐसे भी सोचो कि अभी हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का कुछ लिमिटेशन है,
तो रदरफोर्ड का क्या लिमिटेशन था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन मूव करता सर्कुलर पाथ पे, और मूव करता है तो एनर्जी डिक्रीज क्यों नहीं होता। तो आप ऐसा सोचो, एक छोटा सा सर्किट में फिर ड्रॉ करता हूं, ये आपका न्यूक्लियस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। मान लो कोई फोर्स F1 है, और इस F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4πε0। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस JD, इंटू E, स्क्वायर बाई आर, अगर ये डिस्टेंस आ रहे तो ये होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है कुछ फोर्स लगा के, वो फोर्स कितना होगा, ई क्या है, ई है चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है तो प्लस जेड ई, और यहां पे कितना चार्ज है, ई, तो ये हो गया आपका क्यू वन और ये आपका हो गया Q2। So 1/4πε0 into Q1 Q2 by R square। तो ये फोर्स से न्यूक्लियस इसे अपनी ओर खींच रहा है। अब ये बताओ, अगर ये केवल इसी फोर्स से इसे अपनी ओर खींचेगा तो फिर तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा, जो रदरफोर्ड पे बोला गया था। तो बोर क्या बोलता है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स काम नहीं करता, इस पे एक और भी फोर्स काम करेगा, और जो दूसरा फोर्स होगा F2 वो बाहर की तरफ लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड होता है mv स्क्वायर बाई r। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो ये फोर्स लगता है जो उसको बाहर की तरफ खींच के रखता है, और इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो जिस जिस पॉइंट पे F1 और F2 का वैल्यू बराबर होगा, वही सर वही ऑर्बिट्स आपका पॉसिबल होगा। समझ में आया? अगर F1 और F2 बराबर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अपना लोकेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जब बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन अपना पोजिशन मेंटेन रखता है, और उसी डिस्टेंस पे आपका ऑर्बिट पॉसिबल होता है, जिनको हम 1, 2, 3, 4 बोलते हैं, जिसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसी लोकेशन पे आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। कर लो, तुम्हारे लिखने के लिए लिखा है। हाँ, चार्ज को ई से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है अनइक्वल होता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इक्वल होता है अनइक्वल होता है?
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एंड प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है अनइक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज? इक्वल होता है, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं माइनस ई चार्ज है, और प्रोटॉन पे क्या बोलते हैं? प्लस ई चार्ज है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन मिलता है, और कितना प्रोटॉन मिलता है? तो जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल कितना प्रोटॉन हो जाएगा? जेड। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? ई। इसलिए न्यूक्लियस का हमेशा चार्ज कितना होगा? प्लस जेड ई। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो गया? ई। और जब कूलम्बिक फोर्स का हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें केवल हम मैग्नीट्यूड चार्ज का यूज करते हैं। वन बाई फोर पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको इप्सिलॉन बोलते हैं, और इसको जीरो को बोलते हैं नॉट, इप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी कॉन्स्टेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है अगर आपका एटम जो है वो न्यूट्रल हो। लेकिन हम तो यहां पे पढ़ रहे हैं ऐसे जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो न्यूक्लियस पे वन यूनिट चार्ज होगा, बाकी जितने भी ले लो, C5+ ले लो, नाइट्रोजन 6+ ले लो, बेरिलियम 3+ ले लो, सबके न्यूक्लियस पे चार्ज एक से ज्यादा होगा, बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होगा। तो चलो लास्ट पॉइंट लिखो, फिर आज का क्लास खत्म। आपने लिख ही लिया है। मैं ये बोल रहा था कि F1 और F2 जब बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन अपना, मतलब ऐसा सोचो ये कोई एक पार्टिकल है, इस पे इधर से फोर्स F1 F2 लग रहा है और इधर से फोर्स F1 लग रहा है। अगर दोनों फोर्स बराबर होगा तो ये पार्टिकल अपने जगह से हिलेगा। ये पार्टिकल अपने जगह से डिस्प्लेस होगा? नहीं। तो वैसा ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन अपना लोकेशन मेंटेन कैसे करता, जो कि बोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे केवल न्यूक्लियस का फोर्स ही काम नहीं करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है। इस F2 को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस फोर्स से वो न्यूक्लियस के फोर्स को बैलेंस करता है। तो लास्ट पॉइंट ये लिखना, टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मैं बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं, बोल देता हूं, सुनो। टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट देखे लिखना, फर्स्ट पॉइंट देखे, F1 दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस, F1 दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस। And F2 centrifugal force.
F1 अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस, F2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बोलते, जानते क्या इसके, ये किसी को नहीं पता ये कौन लगाता है। इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, भूत जैसा है, मानते से हमें दिखता किसी को नहीं है। एंड दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दीज टू फोर्सेस दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और ये वाला रिलेशन लिख लेना, F1, तो इसको इक्वेशन 2 बना लेना। और इसको इक्वेशन 1 बना लेना। हो गया, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में सर। देखेंगे। हाँ बोलो। सर ये प्रोटॉन को सर शो करने के लिए सर आप जेड ई लिखे हैं सर, तो सर इलेक्ट्रॉन भी तो एटॉमिक नंबर के इक्वल है सर, तो उसको नहीं तो जेड किस, नहीं, फिर सुनो, मैंने पहला पॉइंट ही बोला था, बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या सर? किसके, बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है। मोनो मोनो हाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो बाकी सब इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए गए होंगे अगर एक से ज्यादा होगा तो। अच्छा हाँ सर, ओके सर, ठीक है, चलो फिर, बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय प्रिंसी।